रुड़की के कलिया में नकाबपोश सात बदमाशों ने तमंचे के बल पर तीन लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं पीड़ितों से बात कर बदमाशों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना देर रात की है। कलिया में बेड़पुर चौक के समीप भगवानपुर बाईपास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में मुंह पर नकाब बांधे करीब आधा दर्जन बदमाश जंगल की ओर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए। बदमाशों ने गोदाम में मौजूद दो मजदूर, जिसमें दो पुरुष और एक महिला को बंधक बनाकर गोदाम में रखा एक क्विंटल 75 किलो तांबे का तार, जिसकी कीमत लगभग 40,000 है, 44,000 की नकदी, महिला के कुंडल पाजेब लूट ली। एक बदमाश के हाथ में तमंचा भी बताया गया है। ये बेड़पुर में एक गोदाम है इसका, कबाड़ का, और इसमें कुछ तांबा वगैरह जो इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, वो तांबा यहाँ से बता रहे हैं 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल के बीच में है, वो यहाँ से चोरी हुआ है रात्रि में। और कुछ पैसे और जेवर में थोड़ा सा कान के बुंदे और एक चांदी का पाजेब और एक चांदी का क्लिप जो होता है सिर पर लगाने वाला, वो तीन चीज़ें यहाँ से गई हैं। तो अभी तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। फिर मैं डिग्री, इन्होंने बताया कि 40,000 रुपये इनके एक पर्स में थे और 4100 रुपये उसके दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास। हाँ, ये बंधक बना के कुछ लोगों ने इनको बंधक के कमरे में इनको एक तरफ बिठा दिया और इनके कमरे से ताला खोलकर केवल पर्स उन्होंने उठाया है, बाकी कोई तलाशी करके नहीं ली इनके द्वारा। और ये बता रहे हैं कि नकाब पहने हुए थे, उनका चेहरा इनका पहचान में नहीं आया।